नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के आरोपी लक्खा सिघाना से जुड़ी ये बड़ी खबर। 1 लाख रुपए का इनामी लक्खा सिघाना पंजाब के भटिंडा में एक रैली में शामिल दिखाई दिया। हिंसा मामले में लक्खा सिघाना मोस्ट वॉन्टेड है, लेकिन वो खुलेआम पंजाब की रैली में दिखाई दिया। इतना ही नहीं, लक्खा 26 जनवरी के बाद सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालता रहा है और पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा है। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस रैली में लक्खा सिघाना पहुंचा है। अब किस तरीके से पुलिस की तैयारी होगी, क्या गिरफ्तारी आज ही मुमकिन हो पाएगी, किस तरीके की रणनीति पुलिस की है, ये अभी देखना बाकी है। दीपक मिश्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, यानी खुलेआम देखिए रैली में पहुंच रहा है लक्खा, किस तरीके से प्लान है पुलिस का पकड़ने का, गिरफ्तारी का? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अर्पिता, ये बड़ी कहा जाएगा एक प्रकार से लक्खा सिघाना की जो पहले से ही प्लान कर रहा था, उसने पहले ही खुलेआम चेतावनी दिल्ली पुलिस को दी थी कि वो इस रैली में तैयार होगा और महाराज जो इलाका है वहाँ पर एक बड़ी रैली किसानों के बीच में हो रही है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर बिगड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस चाहेगी कि एक ऐसे तरीके से उसको जो है यहाँ वहाँ पर पकड़ा जाए जिससे ना ही लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, ना ही किसी को उस सिचुएशन का पता चले, क्योंकि 1 लाख का इनामी है लक्खा सिघाना और दिल्ली पुलिस को पहले से उसने चुनौती दे की है कि वो इस किसान रैली में मौजूद रहेगा। और उसके बाद उसके इनपुट वहां पर मिले थे देर शाम से, लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें हैं वो वहां पर डेरा जमाए हुए थी। और पूरा इनपुट मिलने के बाद भटिंडा के महाराज में जो लक्खा सिघाना की मौजूदगी के संकेत मिले थे, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अब ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से उसको अपने कब्जे में लिया जाए। हालांकि पंजाब पुलिस का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि बिना वहां के लोकल पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस के ये संभव नहीं था। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच के अलावा जो लोकल टीमें हैं कोतवाली थाना इलाके नॉर्थ दिल्ली की, वो भी वहां पर मौजूद हैं। और पूरे इनपुट के बाद लक्खा सिघाना को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि उसने खुलेआम चेतावनी दी थी कि वो किसान रैली में मौजूद रहेगा और वहां पर युवाओं को वो भड़का रहा था काफ़ी दिन से, और इस रैली के लिए लगातार उनको बुला रहा था कि इस रैली में बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लें। और इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के जो इनपुट को तो पूरा था ही, साथ ही जो पंजाब पुलिस है उससे भी लगातार कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि स्पेशल सेल किस तरह से उसे अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि तभी से 26 जनवरी को जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, उसके एक दिन ठीक पहले 25 जनवरी को जो सिंघू बॉर्डर था वहीं पर दीप सिद्धू ने जब भाषण दिया था उसके ठीक पीछे लक्खा सिघाना खड़ा था, और यही लोग वो थे जो शुरुआत से ही इस आंदोलन को भड़का रहे थे, और इन्होंने एक दिन पहले पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया था और इन पर काफ़ी आरोप लगे थे। जिसके बाद अब पुलिस की टीमें ये चाहेगी कि आज ही लक्खा सिघाना को इस जगह से धर दबोचा जाए और उसे तुरंत ही दिल्ली लाया जाए। जी दीपक, क्या कोई टीमें पहुंची भी हैं पुलिस की वहां पर, किस तरीके से, क्या जो एक स्थानीय पुलिस से चाहिए होता है सपोर्ट वो वहां पर मिल रहा है, क्या कोई इस बाबत जानकारी? देखिए निश्चित तौर पर अर्पिता, देखिए बिना सपोर्ट के दिल्ली पुलिस वहाँ से लक्खा सिघाना को ला नहीं सकती, और यही वजह है कि लोकल इनपुट का वहाँ पर सहयोग लिया गया है, साथ ही इंटेलिजेंस का सहयोग लिया गया है, क्योंकि लक्खा सिघाना को पंजाब में उस जगह से जहाँ पर वो पहले कई दिनों से लगातार बड़ी किसान रैली को आयोजित करने के लिए लोगों को उकसा रहा था, भड़का रहा था, वहाँ से उसे निकाल कर लाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कानून किसी तरह से अपने हाथ में ना ले सके कोई, क्योंकि काफ़ी भीड़ वहाँ पर है और लक्खा सिघाना इसी मकसद से उस जगह पर बैठा हुआ है ताकि उसे अपने लोगों के बीच में पूरी शय मिल सके। और इसको लेकर पुलिस जो है पूरी तरह से सादी वर्दी में वहां पर तैनात है, हर कोई अपनी टीम का पूरा वहां पर झोंक देना चाहता है कि 1 लाख के इस इनामी को तुरंत गिरफ्तार करके दिल्ली लाया जाए, क्योंकि आज जिस तरह से वहां भारी भीड़ है और ये कहा जा रहा था कि उसके संकेत वहाँ पर मिले हैं, उसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीमें वहाँ पर बैठी हुई हैं, साथ ही लोकल इनपुट का वहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और लक्खा सिघाना के जैसे ही मूवमेंट के इधर उधर होते ही उसे दबोच लिया जाएगा, ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है। लेकिन जब तक लक्खा सिघाना को पकड़ा नहीं जाता तब तक कयास ही कहे जाएंगे, क्योंकि वो भारी भीड़ वहाँ पर मौजूद है, किसान वहाँ पर रैली कर रहे हैं और इसका पूरा फायदा उसने कुछ दिन से लगातार उठाया था और खुलेआम चुनौती दी थी कि वो इस रैली में रहेगा और वहाँ पर युवाओं को वो लगातार भड़का रहा था, उकसा रहा था उस रैली में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तय होता है कि लक्खा सिघाना पूरी हिम्मत के साथ वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए उसने दे रखी है कि वो कब तक उसे गिरफ्तार करेगी। अब ये देखना होगा, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई थी उस पूरे मामले में मास्टरमाइंड लक्खा सिघाना को भी माना जा रहा था, और लक्खा सिघाना भले ही अब समाजसेवी या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर वहां पर जाना जाता हो, लेकिन एक नामी गैंगस्टर है जिसके खिलाफ 15 से ज्यादा मामले पंजाब में अलग अलग जगह पर दर्ज है। तो कुल मिलाकर यह कहना होगा कि लक्खा सिघाना की अगर
गिरफ्तारी होती है तो बड़ी कामयाबी कही जाएगी दिल्ली पुलिस की टीमों के लिए। बिल्कुल, और इस बीच दो तस्वीरें किस तरीके से ये किसान रैली वहां पर चल रही है और वहीं पर लक्का सिधाना दरअसल पहुंचा है। अब कौन है ये लक्का सिधाना इसके बारे में भी जरा आपको बता दें, किस तरीके से ये यहाँ 26 जनवरी के दिन पहुंचता है, उपद्रव में किसान उपद्रव में दरअसल इसका नाम आया। लक्खा की भूमिका की जांच अब होनी है और इसीलिए पुलिस तलाश कर रही थी और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन के वक्त ये काफी सक्रिय बताया गया। पंजाब का गैंगस्टर है लक्खा, जिस जो इसके बारे में जानकारी मिल रही है। पंजाब की अगर केवल बात करें तो 2 दर्जन से ज्यादा केस हत्या लूट अपहरण जैसे अपराध के उस पर लगे हुए हैं। आर्म्स एक्ट के मामले में भी केस दर्ज हो चुका है, कई साल वो जेल में भी काट चुका है और अब तलाश पुलिस को है। और इसीलिए देखिए टीमें जो है वो अब कोशिश में है कि किस तरीके से एक स्थानीय जो पुलिस है उससे संपर्क साधा जाए और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी हो पाए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें भटिंडा में ये रैली चल रही है और 2 दिन पहले ही इसने बकायदा मीडिया के सामने आकर भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो रैली होगी उस रैली में वो शामिल होगा, पुलिस चाहे तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन चुनौती इस वक्त पुलिस के सामने बेहद है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त एकत्रित हैं, ये रैली हो रही है और इसी रैली में लक्का सिधाना मौजूद है। 1 लाख रुपए का इस पर इनाम है। दीपक हमारे साथ लगातार मौजूद है और दीपक का रुख करें उससे पहले जरा ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए किस तरीके से ये रैली चल रही है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और इसी रैली में लक्का सिधाना भी पहुंचा है। बकायदा ऐलान करके वो पहुंचा, उसने पहले ही ये जानकारी दी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के सामने भी वो आया और उसने इस बात का जिक्र किया कि वो इस रैली में शामिल होगा और इस रैली में शामिल होने के वक्त अगर चाहे पुलिस तो उसको गिरफ्तार कर सकती है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं। लक्का सिधाना यहाँ पर लोगों के बीच में बैठा हुआ नजर आ रहा है, कई किसान यहाँ नजर भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि पुलिस के सामने चुनौती ये है कि एक तरफ तो आपको पंजाब पुलिस से भी संपर्क साधना होगा, एक कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ किस तरीके की स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर हैं, कोई ऐसी घटना ना हो अप्रिय उसका भी ख्याल यहाँ पुलिस को रखना होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी भी बेहद ज़रूरी और इसके लिए लगातार अलग अलग टीमें बनाकर छापेमारी भी हो रही थी और इसे पकड़ने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन ये लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। दीपक, अब किस तरीके की तैयारी पुलिस की तरफ से इसको पकड़ने की है? देखिए अर्पिता, जिस तरह से वहाँ पर किसान रैली है और इसका पूरा फायदा उठाकर लक्का सिधाना मौके पर पहुंचा था, उसने 2-3 दिन पहले से लगातार वीडियो वायरल करके भी इस पूरे मामले की सूचना दी थी कि वो इस रैली में रहेगा और ये बड़ी चुनौती थी दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल की, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ साथ जो लोकल टीमें थी, क्योंकि पहले से ही इस तरह के इनपुट थे कि लक्का सिधाना इस रैली में भाग लेगा और वहाँ पर वो लोगों को लगातार कई दिनों से वीडियो कॉल्स और व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए जो है भड़का रहा था और लोगों को उकसा रहा था कि उस रैली में जाए, जिसके इस इनपुट मिलने के बाद ये संकेत मिले हैं कि क्योंकि काफ़ी भीड़ है उस रैली में और बड़ी रैली कही जा रही है महाराज जो इलाका है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस अगर इस तरह से सीधे सीधे उसको दबोचने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि जो भीड़ है उसको देखकर वहाँ पर लक्का सिधाना जिस भीड़ का फ़ायदा उठाना चाहता है, हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीमें जो है वो मौके का इंतजार करेंगी उसको दबोचने के लिए, क्योंकि लोकल इनपुट का वहाँ पर सहारा लिया गया है, लोकल पुलिस का वहाँ पर सहारा लिया गया है, क्योंकि लक्का सिधाना के ऊपर 1 लाख का इनाम है और 26 जनवरी की हिंसा मामले में वो बड़ा कॉन्स्पिरेटर कहा गया था और शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि लक्का सिधाना ने ही ये अपने कुछ लोकल जो इनपुट था उनके साथ मिलकर लाल किले में जो है कई पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन किस तरह से गिरफ्तारी होगी ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए साथ ही वहाँ पर जो भीड़ है उसको तितर बितर करने में समय लगता है और इसलिए उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसके होने के इनपुट अगर वहाँ पर भटिंडा के महाराज में मिले हैं तो जिसके बाद दिल्ली पुलिस सक्रिय है और कई टीमें वहाँ पर दिल्ली पुलिस की पहुँची है और जिसके बाद अगर जैसे ही मौका मिलता है या जैसे ही उसे लगेगा कि सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी है उसके आसपास हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। लेकिन पुलिस सतर्क होकर चाहती है कि इस बार लक्का सिधाना उनके हाथ से न बच पाए और इसी को लेकर इंतजार किया जा रहा है और इंतजार कितनी देर तक रहेगा, क्या गिरफ्तारी हो पाएगी लक्का सिधाना की, ये देखना होगा पुलिस की कार्यप्रणाली पर। बिल्कुल, आप रही जरा साथ देखिए 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा का आरोपी लक्का सिधाना को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि वो पुलिस को चुनौती देते हुए किसान के समर्थन में हो रही रैली में दिखाई दिया। लक्का सिधाना भटिंडा में हो रही रैली में मंच पर बैठा दिखा, जबकि वो लाल किला हिंसा मामले का आरोपी है। दीपक,
आप जिस तरीके से बता रहे हैं टीमें गठित की गई हैं और कोशिश ये है कि आज इस रैली से ही उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन वो उससे पहले बकायदा चुनौती देता है कि मैं इस रैली में होऊंगा, अगर पुलिस चाहे तो पकड़ ले, यानी उसने बचने का भी हो सकता है कोई रास्ता तैयार कर रखा हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर पिता, देखिए जिस तरह से वो पंजाब में जहाँ पर उसका अपना घर है, जहाँ पर उसे छिपने की कई ऐसी पनाह ले सकता है, कहीं भी ले सकता है, कहीं पर भी छिप सकता है, उसको सारी जगह पता है। और यही वजह है कि वो अब तक दिल्ली पुलिस से छिपा रहा था और छुपता रहा था। और सबसे अहम चीज़ यह है कि जिस तरह से आज उसके वहाँ पर होने के इनपुट थे कि महराज इलाके में वो किसान रैली को संबोधित भी कर सकता है, वहाँ पर मूवमेंट उसकी देखी जा सकती है, और इसको लेकर काफ़ी दिन से वो प्लान बना था। और दिल्ली पुलिस को खुलेआम चुनौती थी, क्योंकि कई वीडियोज़ वायरल हुए थे जिसमें लक्का सिदाना आज 23 फरवरी को बठिंडा के महराज में एक किसान रैली को यहां पर लोगों को एकजुट होने के लिए काफ़ी देर से लगातार प्रयास कर रहा है और कोशिश कर रहा था कि युवा वहां पर ज़्यादा जुड़े और सब लोग वहां पर पहुंचे। तो इसको लेकर एक इनपुट, एक प्लान तैयार किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा, और पुलिस की टीमें वहां पर हैं, सादी वर्दी में है, लगभग 70-80 से ज़्यादा पुलिसकर्मी वहां पर है। लेकिन जो भीड़ है उसको देखकर पुलिस भी सीधे लक्का सिदाना को देखकर एकदम से हाथ नहीं डालेगी, और पुलिस को भी ये वहां पर ध्यान रखना है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किस तरह से ख़राब ना हो, क्योंकि मामला किसानों की रैली का है। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है उस मौके का, क्योंकि जैसे ही लक्का सिदाना कहीं पर भी अगल बगल या दाएं बाएं कहीं होता है तो उसके दौरान उसको दबोचने की कोशिश होगी, जैसा पुलिस का एक तरीका होता है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक लक्का सिदाना तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि सिर्फ इनपुट के आधार पर यह काम किया जा रहा है, क्योंकि लक्का सिदाना किसी भी भेष में वहां पर आ सकता है, किसी भी तरह से वहां से निकल सकता है, क्योंकि लोकल इनपुट उसको वहां पर लगातार मदद कर रहा है, और इसी वजह से वो अब तक दिल्ली पुलिस के पकड़ से जो है काफी दूर है। लेकिन आज जिस तरह से उसके संकेत मिले हैं कि वो बठिंडा के इस महराज इलाके में रैली में रहेगा, और जैसा ही उसने इतने दिनों से लगातार वीडियो के जरिए जो है पूरा वायरल किया था, तो आज कुछ ऐसी उम्मीदें हैं अगर पुलिस की टीमें वहां पर कामयाब होती है लक्का सिदाना को दबोचने में, हालांकि वो कोशिश करेगा कि अपने लोकल इनपुट के आधार पर या उसके सहारे, मदद के सहारे वो वहां से भाग सकता है, लेकिन पुलिस भी कोशिश करेगी कि लक्का सिदाना को आज उसी जगह से दबोच किया जाए, क्योंकि 1 लाख का इनामी है। और साथ ही 26 जनवरी को जो भी हिंसा दिल्ली में हुई थी उसमें वो उसका पूरा हाथ था, वो भी मास्टरमाइंड था, और यही वजह है कि 25 जनवरी को सिंघू बॉर्डर के इलाके में जब जहां पर किसान रैली, किसान अपने आंदोलन को कर रहे थे, वहां पर मंच को कब्जाने वालों में लक्का सिदाना भी था, और उसने दीप सिद्धू के साथ वहां पर से पूरी निगाह रखी थी और लोगों को भड़काने का पूरा काम किया था, और इसी वजह से उसकी तलाश तेज की गई थी। और आज जिस तरह से उसके इनपुट वहां पर हैं, तो अब देखना यही हुआ कि दिल्ली पुलिस उसे किस तरह से गिरफ्तार करती है, किस तरह से पकड़ती है, क्योंकि अगर वो आज निकला तो शायद फिर कई दिनों तक और छिपता फिरता रहेगा, तो इसी वजह से पुलिस भी कोशिश करेगी कि आज उसकी गिरफ्तारी तय की जा सके। अर्पिता और दीपक, ये तो बहुत, अगर आज कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आती है तो ये पुलिस के लिए भी बहुत शर्मनाक हो जाएगा, क्योंकि खुद वो ऐलान कर रहा है कि आज वो रैली में होने वाला है, बावजूद इसके उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं जा पाया, तो एक बड़ा सवाल तो पुलिस पर भी उठेगा, इसलिए पुलिस की पूरी कोशिश होगी कि गिरफ्तारी हो जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए काफ़ी दिन हो चुके हैं और जांच टीमें लगातार पंजाब में डेरा जमाए हुए थी, कई जगह पर इनपुट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिस तरह से लक्का सिदाना खुद भी सामने आया और एक वीडियो वायरल करके उसने खुद कहा कि वो 23 फरवरी को महराज इलाके में किसान रैली में पहुंचेगा और वहां पर लोगों से लगातार एकजुट होने की अपील की कर रहा था, तो उसके बाद पुलिस की जो टीमें हैं वो सक्रिय हो गई थी और कई टीमों को बनाकर अलग अलग जगह पर भेजा गया है, और साथ ही लोकल इंटेलिजेंस, लोकल इनपुट, लोकल पुलिस का भी यहां पर पूरा सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं वो यहां से गई तो हैं, लेकिन जब तक लोकल पुलिस नहीं उनका साथ देती तब तक ये पूरी गिरफ्तारी कर पाना मुमकिन नहीं होगा। अभी तक पहुंची है, उसको पता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीमें हैं, क्राइम ब्रांच की कई टीमें वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस जो दिल्ली पुलिस का है वो भी वहां पर मौजूद है, सभी की सहायता यहां पर ली जा रही, क्योंकि जैसे ही लक्का सिदाना की मूवमेंट इधर से उधर होती है रैली के आसपास से, थोड़ा सा भीड़ से हटकर अगर वो रहता है तो उस वक्त उसे दबोचने की दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि लक्का सिदाना भाग गया तो उसके बाद कई दिनों तक नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से उसने खुलेआम चुनौती दी थी और दिल्ली पुलिस के सामने भी बड़ा एक टारगेट होगा लक्का सिदाना को पकड़ना, क्योंकि लक्का सिदाना ही वही शख्स है जो तक की पूरी हिंसा में पूरी प्लानिंग को बताएगा, क्योंकि वो एक गैंगस्टर रह चुका है और गैंगस्टर होने के बाद वो समाज से भी बनने का ढोंग रास्ता रहा, और यही वजह है कि अब उसके कितने लिंक्स होंगे, उसका वो सहारा लेकर इतने दिनों से पंजाब में अलग अलग छिपता फिर रहा था, क्योंकि जिस दिन से यहां पर से उसकी तलाश पूरी हुई उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया, उस दिन के बाद से लक्का सिदाना जो है सामने नहीं आया था, लेकिन एक वीडियो के कुछ दिन के पहले जो वायरल हुआ था उसके बाद लक्का सिदाना के होने के सबूत मिलने शुरू हो गए थे, और यही वजह है कि आज जो इनपुट मिला है कि वो बठिंडा के महराज इलाके में एक किसान
रैली के बीच में हो सकता है। तो उसके बाद पुलिस की टीमें सक्रिय हो चुकी हैं, कई दर्जनों टीमें वहां पर पहुंची हैं और कोशिश की जाएगी कि लक्का सिन्हा को दबोचा जाए, क्योंकि लक्का सिन्हा को एक बार दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आ गई तो उसके बाद वो वही सारे राज उगलेगा कि दिल्ली हिंसा में असल में ये पूरी प्लानिंग किसने रची थी और किस तरह से वो लोग पूरा जो नेटवर्क है उसको यहाँ पर अपना रहे थे, इस तरह से किसानों को जो भड़का रहे थे, ये सारे सवाल जो है खुद ब खुद सामने खुलते चले जाएंगे। लेकिन, और यही वजह है कि दीपक यहाँ पर एक सवाल तो ये भी, एक सवाल तो ये भी कि जो लोग मंच साझा कर रहे हैं लक्खा सिंह जैसे शख्स के साथ, लक्खा सिंघाना के साथ, उन पर भी सवाल है, जहां उनको पता है कि पिछले एक महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही है, मंच पर आप उसको जगह देते हैं, अपने साथ बैठाते हैं, तो सवाल तो उन लोगों पर भी। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल तो अपने आप उठने शुरू हो जाएंगे अर्पिता, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार इतने दिनों से लोगों की भीड़ को, युवाओं को खासा तौर पर भड़का रहा था कि वो इस रैली में आए, 23 फरवरी की रैली में आए, जुटे यहाँ पर, तो किसान रैली में जो लोग किसानों का मंच साझा करने वाले हैं उनमें से एक लक्का सिन्हा होता है, तो बड़े सवाल खुद ब खुद उठेंगे। लेकिन जाँच टीमों के बारे में सभी को पता है, चाहे वो किसान हों चाहे जो स्थानीय लोग वहाँ पर के हों, उन सभी को पता है कि लक्का सिन्हा के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा जा चुका है, और अगर लक्का सिन्हा उनके बीच में आता है और दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो कोशिश वहाँ पर पुलिस ये रहेगी कि लोगों को समझा बुझा कर उसको हिरासत में लिया जाए। लेकिन ये सीधे सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लक्का सिन्हा इसलिए वहां पर पहुंचा है क्योंकि काफ़ी भीड़ उसको सपोर्ट करेगी, और यही वजह है कि पुलिस को एहतियातन जो है जोखिम भरा काम नहीं करना है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए उसे हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन क्या लक्का सिन्हा की मूवमेंट का वहां पर फ़ायदा उठाया जाता है या नहीं, दिल्ली पुलिस की टीमों के द्वारा ये देखना होगा, और साथ ही लोकल पुलिस का भी यहां पर सहयोग लिया जा रहा है, क्योंकि लोकल पुलिस का भी इनपुट वहां पर रखा गया है और इस इनपुट के आधार पर ही लक्का सिन्हा की गिरफ्तारी के लिए वहां पर टीमें पहुंची हैं। अब ये देखना होगा कि किसान रैली में वो मंच पर पहुंचता है, और मंच पर पहुंचता है तो क्या वो वहां तक दिल्ली पुलिस पहुंचती है या नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें वहां पर लगातार पहुंच रही हैं, और सभी को पता है कि इस जगह पर अगर लक्का सिन्हा को दबोचा जा सकता है तो यही एक जगह है, और अगर वो गायब हो गया तो शायद फिर अगली बार कब मिलेगा, तो इसी वजह से पुलिस भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, वो चाहती है कि आज ही इसी रैली में बठिंडा महाराज इलाके से इसको दबोचा जाए। तो देखना यही होगा कि कब तक दिल्ली पुलिस की टीमें उसे हिरासत में लें। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें जरा देख लीजिए, जहां एक तरफ पहले वो रैली में शामिल होता है, वहां बकायदा किसानों के बीच में बैठता है, और उसके बाद हाथों में माइक थामकर वो वहां भाषण देता हुआ भी नजर आ रहा है, मंच से भाषण और भड़काने का काम अभी भी उसका जारी है। खुलेआम उसने बोला कि वो आज बठिंडा में जो रैली हो रही है उसमें शामिल होगा, पुलिस को एक चुनौती दी है, पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, अब किस तरीके से इसकी गिरफ्तारी होगी इस पर नजर होगी। लेकिन दीपक जरा देखिए, मंच से भाषण देता हुआ भी ये शख्स नजर आ रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है, देखिए साफ तौर पर जैसा उसने कहा था वो वैसा ही कर रहा है, उसने 3-4 दिन पहले से लगातार वीडियो वायरल किए थे व्हाट्सएप वीडियो के जरिए, लोगों से वहां पर जो वीडियो पुलिस के पास भी आया था उसमें साफ कहा था कि वो मंच पर आएगा, मंच से बोलेगा और किसान रैली को संबोधित करेगा, तो यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिल रही है जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी काफ़ी भारी दबाव होगा, क्योंकि जिस तरह से भीड़ के बीच में से लक्का सिन्हा को हिरासत में लेना या उससे बातचीत, उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके आसपास का जो लोकल वहाँ पर इनपुट है, जो लक्का सिन्हा को सपोर्ट करते हैं, वो लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और यही हो भी रहा है वहाँ पर, और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस चाहती है कि वहाँ पर किसी भी तरीके से स्थानीय पुलिस की मदद के अनुसार अगर मिल जाए तो लक्का सिन्हा को एक साइड में ले आकर उससे बातचीत की जाए और उसके बाद उसे पकड़ा जाए, क्योंकि लक्का सिन्हा सीधे सीधे पुलिस के हाथ में आने वाला नहीं है, और क्योंकि उसने खुलेआम चुनौती दी थी और उसका वो पूरा फायदा उठाकर मंच तक पहुंचा है, माइक हाथ में लेकर लोग किसानों को संबोधित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश के तहत लक्का सिन्हा को भी बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, उसे समर्थन किया जा रहा है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें खुलेआम वीडियो के जरिए देखी जा सकती है, क्योंकि लक्का सिन्हा यहाँ पर पहुँचा है, उसे भी पता है कि दिल्ली पुलिस कोई जानकारी मिल पा रही है ये रैली कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे लक्का वहाँ पर पहुँचा और कब तक वो वहाँ रैली चलेगी और कब तक रह सकता है वो। देखिए अर्पिता, भी इस तरह का इनपुट जुटाना मुश्किल है, क्योंकि सुबह से लगातार लोगों को एकजुट होना वहां पर कहा जा रहा था कि एकजुट हैं, और लगभग 11 बजे के आसपास ये कहा जा रहा था कि रैली को जो है लोग वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, और उसके बाद लक्खा क्या पहले से वहां पर था या उसी दौरान आया था, या हो सकता है कि 2 दिन पहले से वहां पर छिपा बैठा हो, क्योंकि कई सारे कयास हो सकते हैं, इसके बारे में आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं की जा सकती कि लक्का सिन्हा वहां पर कब पहुंचा, लेकिन रैली जब तक रहेगी लक्का सिन्हा वहां पर होगा ऐसा कहा जा रहा था। अब ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस वहां पर
पहुंची है, दिल्ली पुलिस की टीमें वहां पर पहुंची है। ये कहा जा रहा था कि लक्खा सिदाना उसी रैली में मौजूद है, जिसके बाद अब कोशिश यही की जाएगी कि लक्खा सिदाना को रैली से बाहर निकलते वक्त दबोचा जाए। लेकिन लक्खा सिदाना भी बेहद चालाक है, शातिर है, वो चाहेगा कि पुलिस की टीमों के बीच में वो बाहर ना निकले और अपने लोगों के बीच में रहें जो उसे इतने दिन से लगातार बचाते हुए आए हैं, क्योंकि लक्खा सिदाना का नाम वहाँ पर गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता है और यही वजह है कि उसका जो लिंक्स हैं वो अपने लिंक्स का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि अब तक पुलिस के हाथ उसके उस तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो यहाँ पर यही कोशिश की जाएगी पुलिस के द्वारा कि लक्खा सिदाना की मूवमेंट जैसे ही आसपास होती है या वो रैली से जहाँ दूसरी तरफ जाता है तो उसी दौरान उसको दबोचने की कोशिश होगी, लेकिन अब तक फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आधिकारिक इनपुट नहीं आता है तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी अर्पिता। और यहाँ पर ये कोशिश करेगी दिल्ली पुलिस की टीमें कि उसकी गिरफ्तारी कर सके और यही एक जगह है जहाँ से उसे हासिल किया जा सकता है, जहाँ से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल लक्खा सिदाना जो है दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर है और कोशिश पुलिस की यही है कि उसको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सके। अर्पिता, ठीक है, दीपक रहिए जरा साथ और इस पर नजर बनी रहेगी कि आखिरकार गिरफ्तारी कैसे मुमकिन होती है। लेकिन इस रैली में लक्खा जरूर नजर आ रहा है, न सिर्फ नजर आ रहा है, मंच से वो भाषण देता हुआ भी नजर आ रहा है। उधर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब को एक साथ बिठाकर पूछताछ की। तीनों से टूलकिट बनाने से लेकर उसमें डाले गए कॉन्टेंट के बारे में सवाल किए गए। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की, जिसके बाद अब दिशा रवि की पेशी के लिए कोर्ट उसे ले जाया जा रहा है। हालांकि अभी निकिता और शांतनु से पूछताछ जारी है। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है ये तीनों को बैठाकर ये जो पूछताछ हुई इसमें कुछ अभी तक साफ हो पा रहा है, क्योंकि आज कोर्ट के सामने भी पेशी है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि एक दिन की पुलिस कस्टडी में दिशा को लिया गया था और जिसके बाद इसी साइबर सेल के दफ्तर के अंदर पूछताछ की गई थी, क्योंकि साइबर सेल के दफ्तर में आज सुबह से लगभग 10:30 बजे से इन तीनों को आसपास बैठाकर पूछताछ की गई थी। साइबर की टीमें अभी जो है दिशा को यहाँ से लेकर कोर्ट की तरफ रवाना हुई है। लेकिन सबसे अहम चीज़ यही है कि इन तीनों से यही चीज़ पूछी गई कि जो जूम मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था, साथ ही जो उनके बीच में बातचीत हुई थी, क्योंकि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में ग्रेटर थनबर्ग को कैसे जोड़ा गया था, साथ ही पीटर को कैसे इस पूरे मामले में शामिल किया गया था, और कई ऐसे सवाल थे क्योंकि तीनों की कॉन्स्पिरेसी थी। और साथ ही दिशा के मामले पहले ही ये क्या साफ हो चुका था कि टूलकिट मामले में उसकी क्या भूमिका थी, इन तीनों को उनकी भूमिका को लेकर, टूलकिट में किस तरह का कंटेंट इन तीनों ने डाला था इसको लेकर पूछताछ यहाँ पर की गई। साथ ही अभी भी शांतनु और निकिता जो हैं वो साइबर सेल के इसी दफ्तर के अंदर हैं और दोनों से लगातार अब पूछताछ की जा रही, क्योंकि इससे पहले दिशा को इसलिए यहाँ पर लाया गया था ताकि दिशा और इन तीनों के बीच में आपस में जो भी बातचीत हुई थी उस दिन के बारे में, 26 जनवरी को किस तरह की प्लानिंग करनी है, किस तरह से भड़काऊ भाषण उसमें पोस्ट करना है और किस तरह से चीज़ें जो हैं टूल किट में डाली गई थी और किस ने जो है शुरुआत से ही लगातार इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई थी, ये सारे सवाल इस जगह पर पूछे जाने थे। और अब यहाँ से दिशा को तो कोर्ट में ले आया जा चुका है, क्योंकि उसकी रिमांड खत्म होनी है, आज उसकी जमानत पर फैसला आना है। और साथ ही यहाँ पर ठीक है, दीपक आप नजर बनाए रखिए। नेटवर्क 18 की पहल और ITC द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। आज की कहानियां भारत के 2 सबसे पसंदीदा ब्रांड अमूल और ITC आशीर्वाद की है। ।1946 में गुजरात के छोटे से शहर आनंद में एक दूध उत्पाद सहकारी समिति के रूप में स्थापित अमूल आज भारत में दूध और दूध के बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस ब्रांड के घरेलू स्तर पर शुरुआत हुई जिसे एक किसान ने शुरू किया। आज ये ब्रांड लाखों भारतीयों के दिल और दिमाग पर छाया है और 40 देशों में इसकी मौजूदगी दर्ज है। What is the business objective? Give more to earn more. Give more to 3.6 million farmers who are supplying milk to you by offering them very stable and remunerative price. 2002 में ITC ने पैकेज्ड गेहूं का आटा आशीर्वाद लॉन्च किया था और वर्तमान में भारत के नंबर 1 आटा ब्रांड के रूप में जाना जा रहा है, जिस पर देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक परिवारों का विश्वास है। साथ ही ये किसानों से सीधा गेहूं खरीदकर उन्हें सशक्त बना रहा है। ITC is the second largest buyer of wheat in the country and we are able to give the right price for the right quality
We have set up centers where the farmers, we have created mandis where the farmers can come and actually deliver the product straight over there. Amul और ITC आशीर्वाद दोनों ही भारत के आत्मनिर्भर बनने के मिशन में अपना सहयोग दे रहे हैं और सही मायने में स्वाभिमान भारत के प्रतीक हैं।